ओम शांति बाप दादा मधुब। आज की मधुर मुरली 18/7/2023। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धमान बनने। बुद्धिमान अर्थात पवित्र, पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानियाँ सुनाओ। उत्तर, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे, उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी, उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती, नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे, हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं, हमें वह मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं व राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरी यूनिवर्सिटी कहते हैं, वह यूनिवर्स के लिए है नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं, मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। दूसरी पॉइंट, देवी देवताओं को सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं, सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। तीसरी पॉइंट, बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे, अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। चौथी पॉइंट, तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। पांचवी पॉइंट, तुम अभी रचयिता और रचना के आद मध अंत को जानते हो, तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। छठवीं पॉइंट, अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है, निरंतर यह याद रहना चाहिए। सातवीं पॉइंट, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। आठवीं पॉइंट, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यहाँ से पांव बाहर निकाला और वह गुम खुशी गुम हो जाती है। नवीं पॉइंट, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं, बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। दसवीं पॉइंट, पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए, राजयोग सिखलाना है, शंख धन करनी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ सिलेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है, बहु समाल से श्रीमद प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरी पॉइंट, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है, बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान है आज का, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव, दे के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है, सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए
समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है, तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थित में स्थित हो सकती है। स्लोगन है आज का, जो सदा रूहानियत की स्थित में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। ओम शांति।